संगीत रागी आपको भी पसंद है कि नहीं? आप युवा देखिए मानते हैं अपने आप को कि नहीं? राहुल, चूंकि आप लोग राहुल गांधी को 55 साल में युवा मानते हैं, तो मुझे भी आपको मानना पड़ेगा कि मैं युवा हूं, और मैं हूं युवा। अब मेरी तरफ मत देखिए, आपको युवा की कैटेगरी में नहीं है, आपके बाल सफेद हो गए हैं ज्यादा। देखिए, ये कहना बड़ा अभी मुश्किल है कि कितने प्रतिशत युवा लोगों ने तेजस्वी को पसंद किया ना पसंद किया। मैं एक छोटा सा एक आकलन के अनुसार बता रहा हूँ कि यदि मान लेते हैं कि यदि 6% और 7% एरर आ जाता है, जो अभी जो पैटर्न पूरे एरर थ्योरी पे ही चलिएगा, 3-4 घंटे जो आप बैठिएगा। नहीं देखिए, ये अभी ये बताइए ना, आप अपने आप को युवा समझते हैं? तेजस्वी यादव के फैन हो गए हैं आजकल, हमने सुना है। नहीं, नहीं, ये नहीं, जो आप जंगल राज कह रहे थे, असर लाया नहीं? आपको दूसरी परिस्थिति देता हूं। 51 से 60 साल की उम्र के 40% तेजस्वी को पसंद करते हैं और 45% एनडीए को पसंद करते हैं, और 61 साल से ऊपर के 38% तेजस्वी को पसंद करते हैं और 48% नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। देखिए, मैंने लालू राज को देखा था, मैं आपको आपकी तरफ चले गए। नहीं नहीं, मैं मुझे एक उत्तर देने दीजिए। आप बोलिए। मुझे आज तक ये पता नहीं लगा है कि राहुल गांधी को 25% और 35% कहां से आंकड़ा आता है प्रधानमंत्री के रूप में चाहने वाले। मतलब कुशवाहा को 4% लोग, अभी आप ही का आंकड़ा बता रहा था कि कुशवाहा को 4% तो उनका वोट भी नहीं होगा वहां पर, और कुशवाहा को 4%, आप ही के आंकड़े बता रहे हैं कि 4% लोग जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इस आंकड़ों में तेजस्वी पर बात करने से झिझक क्यों? राहुल गांधी, अजय कुशवाहा। नहीं नहीं, हम तेजस्वी पर जवाब दीजिए ना, आंकड़ों के संदर्भ में हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। नींव हिला दी उन्होंने। देखिए, मुझे ऐसा बिहार लोकसभा की परफॉर्मेंस देखिए और उसके बाद ये परफॉर्मेंस देखिए। अभी हमने दिक्कत हो रही है बात, अभी हमें लगता है आंकड़ों पर ही बात करनी चाहिए और कैंपेन स्टाइल पर बात कर सकते हैं, हम लीडरशिप स्टाइल पर बात कर सकते हैं, लेकिन आपने तो उपसंहार निकाल दिया कि यही होने वाला है। लेकिन आशुतोष जी, अभी तक तो मतलब आप सोचिए कि सत्ता में आए नहीं, और एक पार्टी को कार्यकर्ताओं को, जो संजय जी अभी बोल रहे थे उसके बाद मैं उनके पास जाऊंगी, कि पहले से बताना पड़ रहा है शांत रहिएगा, आराम से रहिएगा। ये जो हुड़दंगई वाला डर है वो वाकई डर नहीं था, सच्चाई है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि अगर तेजस्वी यादव ने इस तरीके की बात की, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, अगर इस तरीके की बात की तो मैच्योरिटी का परिचय दिया है, और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आरजेडी का जो 15 साल का शासन था उसके अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बुरी थी। तो ऐसा ना हो कि 15 साल के बाद अगर आपके पास शासन आता अचानक आप फिर पुराने बोर्ड में चले जाएं, और इसके उदाहरण मिलते हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं तो बड़े लंबे समय के बाद जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी 2012 में, तो उसके बाद किस तरीके की हुड़दंगे की कोशिश 2-3 दिनों तक चलती रही, और 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो उसके बाद भी कई नेताओं ने हुड़दंगे की थी। तो अगर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर इस तरीके की हरकत करेंगे और अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा होगा तो इतिहास उनको माफ भी नहीं करेगा। इतिहास कोई ऐसी नहीं कि उनको छोड़ देगा। 31 साल की उम्र में कुर्सी मिलना आसान हो सकता है, लेकिन 31 साल के बाद आने वाले 40-50 साल तक राजनीति करते रहने के लिए जरूरी है कि ये जो 15-5 साल अगर उनको मिले, अगर मिलता है तो उसमें वो नजीर साबित करें कि आरजेडी वाकई बदल गई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।